कशिश जायसवाल। कशिश जायसवाल जी, किस तरह का प्रोजेक्ट है आपका? ये 3D वीडियो का प्रोजेक्ट है। इसमें मतलब कोई मोबाइल का वीडियो रखेंगे तो उसमें दिखाई देगा। हाँ, थोड़ा दिखाइए, रखिए। ये देखिए, छोटी सी बच्ची द्वारा ये जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ये मोबाइल और ये जो ग्लास है, ये मोबाइल की तस्वीरें जो आपको मोबाइल में दिखती है वो इस ग्लास पे दिखेंगी और बड़े फिगर में दिखेंगी। यहाँ धूप है, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। कैसे ये सब आइडिया आता है आप लोग के मन में? टीचर बताए थे, टीचर द्वारा आपको ये सब सीखने को मिलता है। महादेव जी, क्या नाम है आपका? अंकिता विश्वकर्मा। अंकिता विश्वकर्मा जी, कितना वक्त लगा आपको? एक घंटे। एक घंटा में आपने महादेव जी का फोटो बनाया है और बहुत खूबसूरत है। ये तो डमरू लिए हैं, डांस कर रहे हैं क्या? हाँ। ये महादेव जी का फोटो। क्या नाम है आपका? निधि पांडे। पांडे जी, क्या बनाई है? उत्तर प्रदेश के 18 मंडल। क्या है? उत्तर प्रदेश के 18 मंडल। वाह वाह वाह, खूबसूरत। ये जब आप ऐसे करेंगे, ऐसे पकड़िए, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं और उन मंडलों के नाम हैं, मैं ही बोल देता हूँ। ये गोरखपुर मंडल है, बरेली है, बस्ती है, लखनऊ है, सहारनपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, राजकूट है ना, बनारस, चित्रकूट, मुरादाबाद, झांसी, अलीगढ़, आजमगढ़, अयोध्या, देवी पाटन और कानपुर, गोरखपुर, बरेली, ये बस्ती, ये 18 मंडल हैं। बहुत सुंदर चीज़ है, आपने उत्तर प्रदेश के 18 मंडल का दर्शन करा दिया। कैसे ये आपके माइंड में आया और कितना वक्त लगा ये बनाने में आपको? एक घंटा। इन तस्वीर को थोड़ा करीब से लीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो से ही सीखेंगे कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडल के ये नाम है बकायदा। और इन तस्वीरों को आप देखकर सीखेंगे तो शायद आप भूलेंगे नहीं। ये किसका है? क्या नाम है? अंशिका कुमारी। अंशिका जी, ये क्या है? गुलदस्ता। गुलदस्ता है, खूबसूरत है, ये घर को सजाने के काम आता है। क्या नाम है आपका? आंचल कुमारी। आंचल जी, आपने क्या बनाया है? फोटो, दीवार फ्रेम। ये रूम के अंदर जो रूमों की शोभा बढ़ाते हैं, ये दीवार पे लटकाए जाते हैं। कितना वक्त लगा आपको बनाने? मुझे 2 घंटा लगा। 2 घंटे में? सिर्फ 2 घंटे में? तो ये डंडी किसकी है, लकड़ी है या क्या है? ये कागज की है। कागज की है, खूबसूरत। स्वच्छ भारत का भी इन्होंने ख्याल रखा है और ये जो इस्तेमाल किए सारा कुछ कागज है। कागज है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? स्वाति कुमारी। क्या बनाई है? भारत का नक्शा, मेरा भारत महान। इस तस्वीर को भी दिखाइए, इस पन्नों पे ये तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर का बहुत बड़ा महत्व है, मेरा भारत महान। कितना वक्त लगा आपको बनाने में? 1 घंटा। 1 घंटे में आपने बना। क्या नाम है आपका? मुस्कान करना चाहिए। बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में, बताइए क्या बनाया आपने? ये क्या चीज है? प्रोजेक्ट है। हाँ, लेकिन इसका नाम क्या है? चलिए, बोल नहीं पा रही आप। क्या नाम है आपका? आंचल यादव। आंचल जी, क्या है ये? ग्लोब। थोड़ा बताइए इसके बारे में। ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप मॉडल है। क्या नाम है आपका? वर्षा मौर्य। क्या है वर्षा? घड़ी। ये घड़ी है और पंखी भी है क्या ये? नहीं, सूरजमुखी में घड़ी बनाए हैं। अच्छा, सूरजमुखी के अंदर इन्होंने घड़ी बना दिया है। 12:15 होने वाले हैं। तो कितना वक्त लगा आपको बनाने में? 5 मिनट लगा। 5 मिनट। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके कलाकारी को आप देखिए, इंजॉय करिए और इन्हें शुभकामनाएं दीजिए कि ये बच्चे आने वाले समय में और कुछ बनाए। क्या नाम है? पूजा। पूजा, क्या है ये? मंदिर है। कितना वक्त लगा आपको बनाने में? 2 घंटे। किनका मंदिर है ये? जी, शंकर भगवान का मंदिर। आपने क्या नाम है? रोशनी तिवारी। ये क्या है? भारत। चूंकि यहाँ ये नहीं बोलना चाहिए ये क्या है, ये हमारी शान है, हमारी जान है, ये तिरंगा है। कितना वक्त लगा आपको बनाने में? 10 मिनट। 10 मिनट में आपने बना दी। क्या नाम है? खुशी गुप्ता। क्या है खुशी? ये घर है। करीब होकर आप दिखाया करिए, जो इनका प्रोजेक्ट है उसको आप दिखाया करिए। ये चीजें आप बार बार बोलनी ना पड़े। क्या है बाबू? घर है। कितना वक्त लगा आपको? 2 मिनट। 2 मिनट में आपने घर बना दिया है। क्या नाम है आपका? नीतू राजवा। क्या है ये? गुलदस्ता। गुलदस्ता है, सुंदर है। क्या नाम है आपका? प्रतिज्ञा यादव। थोड़ा तेज बोलिए। प्रतिज्ञा यादव। क्या बनाया आपने? तिरंगा। ये तिरंगा है, हाथ में लीजिए ये तिरंगा। और कितना वक्त लगा?
आधा घंटा। तो ये तिरंगा है, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? सिक्स। देश प्रेम है आपके अंदर, आपने तिरंगा बनाया है, ये आप पकड़िए। 12:15 इसमें भी हो रहे हैं, कितना वक्त लगा आपको? आधा घंटा। आधा घंटे में किस क्लास में पढ़ती हैं आप? सिक्स्थ में। सिक्स्थ में। ये किसका है? ये क्या नाम है आपका? रेनु यादव। क्या है ये? सरस्वती जी हैं। सरस्वती मैया हैं और सवारी भी कर रही हैं, पर लेकिन पानी नहीं भरा आपने, इनका बतख कहाँ चल रहा है? नीचे है थोड़ा सा। अच्छा, पानी है थोड़ा। हाँ। चलिए बहुत अच्छा, खूबसूरत। क्या नाम है आपका? अंशु यादव। क्या है अंशु जी ये? हाउ आर यू? आई एम फाइन, यही सब है। अच्छा, आपने सामने वाला से हाल चाल पूछ लिया और अपना भी बता दिया कि आप कैसे हैं। बहुत खूबसूरत, ये छोटे बच्चे हैं, मैं वीडियो में बोल चुका हूँ कि इनके हौसले को बढ़ाने की ज़रूरत है। और हरिवंश मल मेमोरियल इंटर कॉलेज से मैं इन तस्वीरों को दिखा रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। 3-4 और बच्चे हैं, इनका भी मैं देख लेता हूँ। क्या नाम है? श्वेता यादव। श्वेता, क्या बनाई है आप? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल है, मछली भी दिख रही है। आधा घंटा। आधा घंटा। आधे घंटा। क्या नाम है आपका? अलीमा सादिया। क्या है ये? कमल का फूल है। क्या? कमल का फूल। कमल का फूल, खूबसूरत, बहुत अच्छा बनाया आपने। कितना वक्त लगा आपको? 10 मिनट। 10 मिनट में बना दिया। किस क्लास में पढ़ती है? सिक्स। सिक्स। ये किनका है? क्या है, क्या नाम है आपका? श्वेता रानी। क्या है ये? ये गेट पे लगाने के लिए। गेट पे लगाने के लिए, बिल्कुल कागज का बनाई है आपने। ये कागज स्वच्छता अभियान को भी इन बच्चों ने बहुत ही बारीकी से तौला है और किसी भी प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादातर नहीं किए इन बच्चों द्वारा। क्या नाम है आपका? नेहा यादव। नेहा यादव। क्या है ये? कमल का फूल। कमल का फूल है। तस्वीरें खूबसूरत हैं और इन तस्वीरों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन तस्वीरों को कितनी साफ सफाई के साथ बनाया गया है। और मैं सीधे रुक करूंगा। हरिवंश मल मेमोरियल इंटर कॉलेज की आज प्रदर्शनी चल रही है और इस कॉलेज के कक्षा 6 से लेकर इंटर तक के बच्चों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी की सबसे अलग हटके ये तस्वीर है जो सीधे लाइट है, लाइट के साथ जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक चीजें हैं। मैं आपका रुक करूंगा। क्या नाम है आपका? सुमित यादव। सुमित जी, ये किस तरह का प्रोजेक्ट है और इसका वर्क क्या है? ये विट स्टोन ब्रिज है, इसका उपयोग हम प्रतिरोध के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं? थोड़ा इसका एग्जांपल दिखाएं। इसका और इसका अनुपात बराबर, दोनों का अनुपात बराबर है तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। अच्छा। हाँ, जब इसको हम निकाल दें एक तो इसमें ज्यादा करंट जाएगा। एक बल्ब को आपने हटाया तो बाकी ये दोनों भी बुझ गए? नहीं, जल रहे हैं, हल्का जल रहे हैं। अच्छा, ये जल रहे हैं। थोड़ा नजदीक आइए, ये चीजें दिखाइए। ये बारीकी है यहाँ की, इस बच्चे द्वारा बनाई गई तस्वीर की बारीकी है कि उसमें वोल्टेज ज्यादा जा रहा है और यहाँ वोल्टेज कम है। अब थोड़ा इसको दोबारा ऑन करके बताइए और इसके बारे में बोलते भी रहिए। ये इसको अगर निकाल देंगे इस दोनों को तो ये शेयर क्रम है, ये तीनों जलने लगेगा। और इसको फिर जैसे इसको फिर इसको जैसे निकालेंगे फिर शेयर क्रम में हो जाएगा तो ये भी तीनों करंट फ्लो करेगा। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। खूबसूरत है। ये कैसे आप लोग के दिमाग में आया? अभी आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th। 12th में पढ़ते हैं। कैसे आपके माइंड में ये बातें सेट हुई कि आपको इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए? ये हम लोग के सर जी बताए हैं। कौन सर है? अजय सर। अजय सर, कई बच्चों ने अजय सर का नाम लिया है। आकाश राजभर। राजभर जी, ये क्या बनाए हैं? ये मैं समांतर श्रेणी और समांतर क्रम में बनाए हैं और श्रेणी क्रम में बनाया है। इसमें से वोल्टेज में जो होता है उसमें समान प्रवाहित होता है और श्रेणी क्रम होता है, उसमें वोल्टेज एक में ज्यादा, उसमें एक में कम, उसे कम कम होते जाते हैं। इसमें से अगर एक बल्ब को निकाल देते हैं तो दूसरे दोनों बल्ब में करंट फ्लो नहीं होगा। और इसमें से यदि कोई एक बल्ब निकाल देते हैं तो इसमें से दोनों में फ्लो होगा करंट। इसमें इसलिए घर की वायरिंग को करते हैं हम लोग समांतर में। यदि इसमें हम श्रेणी क्रम में कर देंगे तो इसमें से सभी को साथ में जलाना पड़ेगा और इसमें से कोई एक खराब होगा तो सभी इंस्ट्रूमेंट उसमें से खराब हो जाएंगे। खूबसूरत है। ये जो इनका समय है, जो इनकी उम्र है, उस हिसाब से ये जो चीजें दिखा रहे हैं वो बहुत बड़ी चीजें हैं। ये
बहुत अच्छा लगा, मैं अगला प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा। ये क्या है आपका, है क्या नाम है आपका? ऋषभ मौर्य। क्या है ऋषभ जी, क्या बनाया आप? गीजर, पानी गर्म करने वाला। अच्छा, ये गीजर है? यस। इसको चालू करना उचित रहेगा कि वैसे ही बात करना? बात चलिए रन दीजिए। यहाँ पानी है और यहाँ हम लोग की संख्या ज्यादा है तो सावधानी भी बरतनी जरूरी है। आराम से लगाइए, थोड़ा इसको यहाँ पे दिखाइएगा, थोड़ा सा और पीछे हो जाओ बाबू। मछू उसमें लाइट लग रहा है ना। हाँ हो गया, ये देखिए थोड़ा सा कैमरा से कहूँगा कि ये नज़दीक आके इस तस्वीरों को ले। देखिए ये कैसे पानी हीट हो रहा है, चूँकि ये किस तरह आपने बनाया, क्या क्या उपयोग किया है आपने इसमें? दो ब्लेड और एक धागा और ये तार है जो, और ये बीच में थोड़ा वो क्या कहते हैं वो कागज लगा दिए और वो पानी गर्म हो रहा है। तो अभी तो आपकी उम्र बहुत छोटी है और इन चीजों का आविष्कार आप कर रहे हैं, तो कैसे, कोई बताता है आपको कि ऐसे ही दिमाग में आता है? सर मेरी दीदी बताती हैं। अच्छा, आपकी दीदी इसी कॉलेज में पढ़ती हैं? यस। चलिए निकाल दीजिए लाइट से उसको। अब लास्ट प्रोजेक्ट है मेरे सामने, क्या नाम है आपका? नंदू यादव। नंदू यादव जी, क्या बनाए हैं आप? गरम कूलर, गरम हवा देने, ठंडी भी आ गई है। तो कैसे, क्या क्या सामान इसमें आपने इस्तेमाल किया है और ये कैसे काम करेगा? एक मोटर है, एक पंखी है और एक 100 वाट वाला बल्ब है, और उस बल्ब को लाइन में लगाएंगे तो लगेगा और जब ये हमारेगा तो गर्म फेंकेगा। ये चालू भी हो जाएगा क्या अभी? जी थोड़ा चालू करके दिखाइए, पीछे हो जाइए आप। हरिवंश मल मेमोरियल इंटर कॉलेज के छात्रों द्वारा जो आज प्रदर्शनी लगाई गई है, मैं वही की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और ये तस्वीरें दिखानी इसलिए ज़रूरी है कि गांव में जो टैलेंट है, गांव के जो बच्चे हैं, उन वो क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। अगर इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें का आविष्कार तो ये मधुबन में ही कर देंगे। ये हरिवंश मल मेमोरियल इंटर कॉलेज जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बना चुका है, उसी कॉलेज की ये तस्वीरें हैं। ये इस समय क्या कर रहा है, थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। वो गर्म हवा दे रहा है। अच्छा, ये हवा उस साइड, इसका फैन उस साइड है क्या? हाँ, इस साइड। थोड़ा सा मैं चेक करूंगा, आगे देगा, इधर आएगा। हाँ बिल्कुल, ये देखिए इसमें जो इन्होंने बल्ब जलाया है, उस बल्ब की जो हीट वाफ है, जो वो हीट हो रहा है, उसकी हवा बाहर निकल रही है, बहुत खूबसूरत। इन बच्चों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और इनको जब इनका हौसला आप अफजाई करेंगे तो ये बच्चे आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और यही बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करेंगे और अपने कॉलेज के साथ साथ अपने माता पिता और अपने ज़िले का भी नाम रोशन करेंगे। ज़रूरत है बस इन बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की और फिर ये आगे अपना कारनामा इस तरह आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे।